बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम आपको तिबे यूनानी का एक बहुत ही मशहूर और जबरदस्त नुस्खा बताने वाले हैं, जिसमें ना सोने चांदी और कस्तूरी जैसी चीजें इस्तेमाल हुई हैं और ना ही ये बाजारी नुस्खों जैसा है, बल्कि इसमें बहुत ही सादा चीजें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये फवायद में उन महंगी चीजों के हम पल्ला है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से मनी औलाद पैदा करने के काबिल हो जाती है, इसके इस्तेमाल से मनी औलाद पैदा करने के काबिल हो जाती है, कुव्वते बा इस कदर ज्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, रंग सुर्ख और बदन ताकतवर ऐसा होता है जैसे हाथी मोटे ताजे होते हैं। तो नाज़रीन, नुस्खा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, असगंध, नागोरी, सालब मिस्री, तुखमे रेहान और स्तावर, ये चार चीजें हैं। असगंध नागोरी आपने लेनी है 25 ग्राम, सालब मिस्री 25 ग्राम, तुखमे रेहान 25 ग्राम और स्तावर 25 ग्राम। चारों चीजें जो हैं, इनको कूट कर पीस कर इनका अच्छी तरह सफूफ कर लें। फिर नाज़रीन, इन चारों चीजों को आपने किसी भी चीज में डाल लेना है और फिर आपने बरगद का पौधा तलाश करना है। बरगद का ताजा दूध जो है, उसकी टहनी तोड़ने पर जो निकलता है, वो डालें इसके ऊपर और इतना दूध डालना है कि ये जो सफूफ होगा ये मुकम्मल उसके ऊपर तक दूध आ जाए, इसमें जज़्ब भी हो और ऊपर तक आ जाए, इसके ऊपर एक तह बन जाए दूध की। फिर ये जो दूध सफूफ में मिला हुआ है, इसको छांव में रख कर आपने खुश्क कर लेना है। जब सारा दूध इस सफूफ में जज़्ब हो जाए तो फिर इसको दोबारा पीस लेना है, इसको पाउडर बना लेना है और आपकी जो दवा है मर्दाना ताकत की और सुरते अंजाल से निजात की वो तैयार है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसमें से एक चाय वाला चम्मच रोजाना सुबह के वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करना है, फिर एक चम्मच दोबारा जो है शाम के वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दो वक्त ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम, एक एक चम्मच दूध के साथ। तो इंशाल्लाह ये कुव्वत बा में इजाफा करेगा, मर्दाना कमजोरी दूर करेगा, मनी की पैदाइश को बढ़ाएगा, जिक्र की जो सुस्ती है उसको दूर करेगा, मनी को औलाद के काबिल बनाएगा और बदन को ताकतवर और मोटा बनाएगा। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा नुस्खा है, बना के इस्तेमाल करें, उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।